नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी के अपडेट और योजनाओं की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें और हमारी वेबसाइट goanews24 को भी जरूर फॉलो करें। दोस्तों जैसे कि बात करें कि सर्वेयर की पेमेंट की लिस्ट अभी तक कितने जिलों की आई है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हमने आपको बता दी है जानकारी। यहाँ पर आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि हमने अभी तक कितने जिलों की सर्वेयर की पेमेंट की लिस्ट आ चुकी है। और दोस्तों एक कलेक्टर ने भी ग्राम सभा के दौरान ऐसा ही बोला है कि अगर आप पटवारी सहायक के रूप में अगर सही से काम करना चाहते हैं, ग्राम रोजगार सहायक के रूप में सही से काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये पटवारी सहायक नहीं केवल है, ग्राम रोजगार सहायक के रूप में अगर आपको सही से काम करना है, अगर आपका काम अच्छा लगा तो मध्य प्रदेश शासन भी सोच रही है आपको उसके पटवारी के अधीनस्थ परमानेंट रख लिया जाएगा, पर आपका काम उसे उन्हें सही लगना चाहिए, ठीक है। कई दौरान सर्वेयर भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, इसी कारण से उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। जैसे कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे कि 7 सर्वेयर को सस्पेंड भी किया गया और उन्होंने बताया कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश शासन ये सोच रहा है, प्रमुख सचिव ये सोच रहे हैं कि पटवारी के अधीनस्थ इन्हें परमानेंट रख लिया जाए। तो क्या कुछ बोला उन्होंने, वीडियो को एंड तक देखिएगा और उन्होंने जो जो पॉइंट बोला उन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा और उन्हें जरूर फॉलो करिएगा ताकि हमारा जो संघ है वो भी संचालित हो सके। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ उसको एंड तक देखिएगा। तो चलिए मैं उस वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से ग्राम रोजगार सहायक है ना आपके गांव में, आपका अगर काम ठीक होगा और हम लोग का वैल्यूएशन जाएगा, शायद हो सकता है कि पटवारी के अधीनस्थ एक मुद्दे के रूप में आपको लिया जाए। इस तरह की भाषा अभी प्रमुख सचिव की यूज कर रहे हैं। ये तब इसको गंभीर इसका अर्थ ठीक है, हम अच्छी चीज को सुनना चाह ही रहे होते, कोई बोलता है तो बहुत अच्छा भी, लेकिन हर बड़ी कोई पद मिलता है तो उसके साथ सिक्के के दो पहलू, एक अथॉरिटी तो उसी का दूसरा पक्ष है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पटवारी साहिबान है, पुलिस के कॉन्स्टेबल साहिबान है, एक्साइज के एक्साइज इंस्पेक्टर है, RTO के कॉन्स्टेबल है, हर विभाग का कटिंग एज है, पंचायत का सेक्रेटरी है, CRS। कटिंग एज क्या होता है? कटिंग एज होता है वो उस विभाग का बंदा जो पब्लिक से सीधे मिल रहा है। मेरे पास तो पब्लिक में कोई बंदा आ नहीं सकता जब तक मैं नहीं चला, नहीं आ सकता, मैं बुलाऊंगा तो आए। दूसरे का आप गांव में जाओगे और उससे मिलोगे और उसका ये काम करोगे, तो कटिंग एज इसलिए समझा रहा हूं कि मैं जब गोहद SDM था 1998 में तो कई सारी इंडस्ट्री थी, कैडबरी थी, MP आयरन इंडस्ट्री थी, गोदरेज था और एटलस साइकिल, बड़े बड़े कंपनी थी, हॉटलाइन थी बहुत बड़ी कंपनी, TVE और उनके तमाम चीजें, तो उनके कंपनियों के कटिंग एज होते हैं HR मैनेजर किसी भी कंपनी का। कौन कटिंग एज होता है? जो अफसरों से, पब्लिक से, स्टाफ से जो डील करता है उसको HR मैनेजर होता है। तो जिन जिन कंपनियों के HR मैनेजर अच्छे नहीं थे, अर्थात वो लोगों से ठीक से मिलते नहीं थे, अफसरों से उनकी लाइजनिंग नहीं थी, वो कंपनियां ही बैठ गई थी। आप समझना पड़ेगा वो कंपनियां हॉटलाइन बंद हुई क्योंकि HR मैनेजर किसी काम का नहीं था, जमुना ऑटो बंद हुई बहुत बड़ी कंपनी थी, एटलस साइकिल इसी चक्कर में चली गई, MP आयरन और स्टील के सरदार की एक कौ को समझते ही नहीं थे, HR मैनेजर था। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी उसको बेच के कुड़की मैंने ही की थी सनट 1999। तो आप जो पटवारी साहिबान और जो हमारे सर्वेयर साहिबान, सर्वेयर अभी अधिकृत तो नहीं है, होगा भविष्य में होगा जब भी, लेकिन पटवारियों से जरूर मेरा कहना है कि आप हमारे कटिंग एज है रेवेन्यू डिपार्टमेंट,
कटिंग एज की सबसे गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पब्लिक का जो प्रेशर या पब्लिक का जो काम है उसको वो सुने और सुन के क्योंकि सारा रिकॉर्ड उसके पास है उसको एग्जीक्यूट करें। आपका अच्छा काम होगा तो संबंधित नायब तहसीलदार, उसके ऊपर तहसीलदार, उसके ऊपर एसडीएम, एसडीएम के ऊपर एडीएम, एडीएम के ऊपर कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर, इन सब का नाम आपके काम से जुड़ा हुआ। मानो आप काम नहीं करोगे तो जिले की प्रोग्रेस, उस सर्किल की प्रोग्रेस, फिर उस तहसील की प्रोग्रेस, फिर उस एसडीएम की प्रोग्रेस, सब पर विपरीत प्रभाव। दूसरी ओर आप ही के कुछ साथी होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछली बार के जो राजस्व अभियान के उपरांत मुझे लगभग 8 पटवारी साहिबान को निलंबित करना पड़ा था। प्रभात बैठे हैं, इनको पता है। सिर्फ इसलिए, कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, एक ही मात्र कारण था कि उसकी प्रोग्रेस नहीं थी। ये संभव नहीं है कि एक पटवारी साहब बहुत अच्छा काम करे और दूसरा कुछ न करे और दोनों को मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ उनका सम्मान करूं, ये संभव नहीं है। मेरे लिए संभव तो आपको दोनों काम देखने हैं, एक कटिंग एज के अपनी छवि और अपने राजस्व विभाग की छवि को मेंटेन करना है, दूसरा सरकार की प्राथमिकताओं के तहत अपने को अच्छे से प्रेजेंट भी करना है। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, एक गंभीर विषय है। इस बार आपने सभी चाहे पंचायत विभाग हो चाहे राजस्व विभाग, बड़े ही दो है, इस महीने अच्छे से काम किया तो जो रैंकिंग हमारी 34वीं 36वीं आती थी मध्य प्रदेश में, आज 14 नंबर पे है।